गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। विधान परिषद के लिए वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से द्विवार्षिक निर्वाचन 1 दिसंबर को होना है। इसको सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में क्षेत्रीय ग्राम्य विकास सभाकक्ष में बुधवार को संपन्न हुआ। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक 75 माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण हुआ। सुहवल थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी अबलेश्वर यादव की 2 और कवलेश्वर यादव की 1 रिहायशी झोपड़ी में सुबह करीब 9 बजे रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। ये देख आसपास के लोग मौके की तरफ दौड़ पड़े। खेत पर काम करने के लिए गए परिवार वालों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में झोपड़ियों के स्वामी भी वहां पहुंच गए। हो हल्ला के बीच निजी संसाधनों से काफी प्रयास के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने बताया कि आग की इस घटना में 10,000 नकदी, बर्तन, बिस्तर, चारपाई, पशुओं का चारा, खाद्यान्न सहित हजारों का गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया। बताया कि आग की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। 7 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को कर्मचारियों ने रोडवेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरने में शामिल होकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव ने 7 सूत्री मांगों का समर्थन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मांगे पूरी होने तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। इस अवसर पर सीनियर फोरमैन शिव बदन सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी राकेश कुमार पांडे, एसपी गिरी, बालेंद्र त्रिपाठी, राकेश पांडे, देवेंद्र कुमार मौर्य, रमेश सिंह, मोहम्मद नौशाद, दिलशाद अहमद आदि उपस्थित थे। संचालन रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के शाखा मंत्री राकेश जयप्रकाश सिंह ने किया। जवानिया ब्लॉक के महली गांव में बुधवार की शाम करीब 3 बजे ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ने जांच की। मालूम हो कि महली गांव की रहने वाली इंदु देवी ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र के साथ ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2015 से अब तक गांव में कराए गए विकास कार्यों की जांच के लिए आवेदन किया था, जिस पर जिलाधिकारी के आदेश पर नोडल अधिकारी जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के सिंह ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की। इस संबंध में श्री सिंह ने बताया कि करीब 10 कार्यों जैसे स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, शौचालय, आवास, खड़ंजा, हैंडपंप, रिबोर आदि को लेकर बिंदुवार जांच की गई है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रेषित की जाएगी। शहर के प्रकाश नगर में स्थित वात्सल्य चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन बुधवार को डॉक्टर सीबी यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर वात्सल्य चाइल्ड केयर सेंटर के डॉक्टर संजय कुमार यादव, पूर्व वरिष्ठ चिकित्सक संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI लखनऊ ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में न जाना पड़े। इस मौके पर राजेंद्र यादव, डॉक्टर AK जायसवाल, जितेंद्र यादव, दशरथ, राम अवध, राम विशाल, वीरेंद्र सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।